हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश मटपाल आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट फाइंड अ पॉइंट इन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस ऑफ प्लस 4 microcoulomb एंड 1 microcoulomb। फाइंड अ पॉइंट इन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस ऑफ 4 microcoulomb एंड 1 microcoulomb सेपरेटेड बाई 2 meter एट विच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो मुझे क्वेश्चन दिया गया है कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक 4 microcoulomb है और एक 1 microcoulomb है। ठीक है, एक 4 microcoulomb है, दूसरा मेरा 1 microcoulomb है, इनके बीच की 2 meter की डिस्टेंस है। ठीक है, अब मुझे एक ऐसा पॉइंट बताना है इनके बीच में जहां पे मेरा रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि जीरो हो जाएगा। देखिए, दोनों चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस की वजह से अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हमें एक पॉइंट ढूंढना है, जैसे आप यहां ध्यान से समझिए, ये दो पॉइंट ले लिए मैंने, ये प्लस 4 microcoulomb है, ये आपका प्लस 1 microcoulomb है और इनके बीच की डिस्टेंस मेरी है 2 meter दी हुई है। अब आप यहां ध्यान से समझना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था हमारा 1/4πε0Q/r2। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, एक क्यू पे डिपेंड करता है, एक आर पे डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर क्यू ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, क्यू कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं, ये दो है आपका 4 microcoulomb है और 1 microcoulomb है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम प्रोड्यूस करेगा। अब वो कहना ही चाह रहा है, एक ऐसा पॉइंट बताना है जहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पे मैं इधर को मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, आप 10 न्यूटन का फोर्स इधर को लगा रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स इस पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब? जब आपका ये बॉडी पे इक्वल बट अपोजिट फोर्स लग रहे होंगे तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। फोर्स की बात मैं कर रहा हूं, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए मेरी वजह से इस पे 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, आपकी वजह से भी 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो जिस पॉइंट पे मेरी तरफ को लगने वाला और आपकी तरफ को लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट होगा, रिजल्टेंट वहां पे जीरो होगा। तो उसने बोला कि इसके बीच में कोई एक पॉइंट बताइए, वो पॉइंट कहां पे होगा जहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, 2 meter डिस्टेंस है, सपोज बीचों बीच में पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं कि बीचों बीच में वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो बीचों बीच में होगा तो क्या होगा, बीचों बीच में डिस्टेंस 1 meter यहाँ, 1 meter यहाँ, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, इसलिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से ज्यादा होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम हो जाएगा। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, अगर मैं यहां से मान लीजिए इस पॉइंट पे एग्जांपल है बीचों बीच में, इसकी वजह से 10 वैल्यू है और इसकी वजह से यहाँ पे 2 है, तो होगा क्या, जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा तो 10 से 9, 8, 7, 6 ये डिग्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे इसके पास जाऊंगा तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो कहीं एक ऐसा पॉइंट यहाँ जरूर आएगा जहां पे एक देखो डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, तो एक पॉइंट पे ऐसा जरूर होगा जहां पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मान लीजिए वो जो पॉइंट है वो कोई पॉइंट P है, और वो कहां पे मुझे पता नहीं है, तो मैंने कहा मान लेते हैं वो पॉइंट यहां से x डिस्टेंस पे है, तो टोटल ये 2 डिस्टेंस है, ये x है, तो ये कितना बचा आपका 2 - x रह गया। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूं, लेट P बी अ पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस
इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल x फ्रॉम प्लस 4 माइक्रो कूलम। मैंने कहा कि 4 माइक्रो कूलम वाले से x डिस्टेंस पे है, तो यहां पे क्या होगा, मान लीजिए a है ये b है, तो क्या हो जाएगा, देखो एट पॉइंट p फॉर रिजल्टेंट टू बी जीरो। अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्टेंट यहां पे जीरो हो जाए तो क्या होगा, ई ए इज इक्वल टू ई बी। ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होने चाहिए। तो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको मैं क्यू ए लिख देता हूं और आर की जगह ये डिस्टेंस कितनी है एपी, एपी का स्क्वायर, और यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पे क्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा बीपी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, अब ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आ गई। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहां से आगे को क्यू ए की वैल्यू लिखते हैं कितनी है 4 माइक्रो कूलम अपॉन एपी डिस्टेंस कितनी है आपकी एक्स स्क्वायर, ये कितना है आपका, सॉरी ये है आपका कितना 1 माइक्रो कूलम और ये आपकी डिस्टेंस है 2 माइनस एक्स इसका स्क्वायर है। तो माइक्रो कूलम से माइक्रो कूलम कैंसिल आउट हो गया, ये 4 इसको आप 2 बाई एक्स लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस और अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो कैलकुलेट कर लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बाई एक्स हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 1 अपॉन 2 माइनस एक्स हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कर देता है 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया, तो दिस इंप्लाइज कितना हो जाएगा 4 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स, तो 4 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 4/3। तो 4/3 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4/3 इज 1.33, तो इसका आंसर क्या होगा 1.33 मीटर। तो आप इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं लास्ट में, द पॉइंट P विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.33 मीटर फ्रॉम 1.33 मीटर फ्रॉम 4 माइक्रो कूलम, और अब देखिए टोटल 2 मीटर है, ये 1.33 आ गया, तो ये कितना बचेगा 0.67 और 0.67 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी। इस तरीके से आपने देखा कि अगर हम इस दो चार्जेस को ले रहे हैं, दोनों का पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है, तो इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट लाई करेगा जहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा, तो वो पॉइंट हमारा फिलहाल क्या है, पॉइंट पी है, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम इसी पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन है, हमारे पास दो चार्जेस हैं 16 माइक्रो कूलम एंड -9 माइक्रो कूलम, दो चार्जेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड 16 माइक्रो कूलम है, एक का है -9 माइक्रो कूलम, आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर में इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, फाइंड अ पॉइंट वेयर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा। देखो बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कैसे, यहां पे एक आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दिया है। इसके सॉल्यूशन को करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम लोग ध्यान देते हैं, अगर ऐसे पॉइंट्स पर हम ध्यान ना दें तो पेपर में हमारे क्वेश्चन को गलत करने की पॉसिबिलिटीज है, कि हम हो सकता है हमने ध्यान नहीं दिया, हमारे दो आंसर आ रहे हैं, हमने कैलकुलेशन करते वक्त हो सकता है एक ही आंसर निकाला और फिर हमें लगे कि यार ये तो रिजल्ट बिल्कुल सही है, तो गड़बड़ होने की संभावना है। थोड़ा सा हम सोचते हैं कि क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हो सकती है। देखो,
पहला वाला जो टॉपिक था वो दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल कैसे थे, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन कर रहा है 4 माइक्रोकूलम था ये 1 माइक्रोकूलम था, तो यहाँ पे इनके बीच में अगर आप एक पॉजिटिव पार्टिकल को देखोगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ठीक है। तो दोनों रिपल्सिव फोर्स लगेंगे, तो ये जो पॉइंट है ये इन दोनों के बीच में लाइक कर सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप इन दोनों को पॉजिटिव पार्टिकल कह देते, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और आप बीच में यहाँ पे कोई नेगेटिव पार्टिकल कहते, ठीक है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता, ये भी अट्रैक्ट कर लेता, तो दोनों के जो फोर्सेस की, जो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो, अगर ये पॉजिटिव होता बीच में रखा हुआ पार्टिकल तो भी अपोजिट होती, और अगर ये नेगेटिव होता, नेगेटिव में ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ठीक है दोनों में पॉसिबल था कि डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाती। लेकिन अगर यहाँ पे एक पार्टिकल पॉजिटिव हो जाए और एक पार्टिकल नेगेटिव हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है, देखो बीच में रखा हुआ पार्टिकल, सपोज आप कहते हैं मैं पॉजिटिव रखता हूं, एक पॉजिटिव पार्टिकल है एक नेगेटिव पार्टिकल है, बीच में रखे हुए पार्टिकल को कहते हैं कि वो पॉजिटिव पार्टिकल है, तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी कि इस पॉजिटिव की वजह से इस पॉजिटिव पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। आप यहां देख लीजिए, एक ही लाइन में दो दूनी बनाता हूं, फिर ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। तो अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, जबकि अगर ऐसा होता ये पॉजिटिव होता ये नेगेटिव होता और यहां पे हम पार्टिकल रखते और ये पार्टिकल आपका नेगेटिव होता तो क्या होता, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा होता, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा होता, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी सेम हो जाती। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो तीसरा पार्टिकल अगर पूछा जाए कहां रखा जाएगा तो उस पर आपको ध्यान देना है कि तीसरा पार्टिकल आपका बीच में नहीं रख सकते हैं आप लोग, वो जो थर्ड पार्टिकल होगा वो थर्ड पार्टिकल आपका या तो इस साइड रखा जाएगा या फिर इस साइड रखा जाएगा। कैसे, यहां ध्यान से समझिए, अगर ये प्लस है इन माइनस है तो पार्टिकल या तो यहां होगा, देखो इधर, अगर वो पार्टिकल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने लग गए, तो दोनों अपोजिट में एक्ट कर रहे हैं तो ठीक है, अगर सेम में कर रहे हो तो ठीक नहीं होता, तो हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो है, एक 16 माइक्रोकूलम है एक 9 माइक्रोकूलम है, 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है इनके बीच में, एक पॉइंट ढूंढना है जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो हमें नहीं पता क्या है, तो हमने ऐसा कह लिया कि बीच में कहीं पर लाई कर रहा है, वो खुद निकल के आएगा, हम पहले मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं तो यही लेंगे, लास्ट में बोलेंगे कि बीच में रखा हुआ पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर क्वेश्चन के लास्ट में फिर से एक्सप्लेन करूंगा। फिर प्लस है ये माइनस 19 माइक्रोकूलम है, इनके बीच की डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, मान लीजिए कि कहीं पे वो पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे लाई करता है पॉइंट पी, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अगर ये ए है ये बी है तो क्या होगा, एट पॉइंट पी रिजल्टेंट टू बी जीरो क्या होगा, देखिए जो आपका ई ए है वो किसके इक्वल होगा, ई बी के, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए प्रोड्यूस करेगा वो और बी जो प्रोड्यूस करेगा दोनों बराबर होंगे, तो मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, 1/4πε0 क्यू ए अपॉन डिस्टेंस कितना है ए पी स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 1/4πε0 QB अपॉन BP स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, QA की वैल्यू कितनी है आपकी 16 माइक्रोकूलम और ये AP जो डिस्टेंस है वो x है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम अपॉन BP की वैल्यू है आपकी 8 माइनस x स्क्वायर, माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम कैंसिल आउट हो गया, इसको मैं 4 अपॉन x स्क्वायर लिख सकता हूं और इसको मैं 3 अपॉन 8 माइनस x स्क्वायर लिख सकता हूं। अब यहाँ पे क्या होगा ना, मैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अगर हटा दूं और खाली एक ही वैल्यू लूं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, मैं दोनों वैल्यू लेके चलूंगा, तो मैं क्या करता हूँ ऐसे स्क्वायर हटाऊंगा, स्क्वायर को रिमूव करूंगा, तो मैं ये लिखने वाला हूँ 4/x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपॉन 8 माइनस एक्स, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके की वैल्यू लिख देनी है, मैं दो केस लेके सॉल्व करूंगा, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, क्या होगा रिजल्ट क्या आएगा उससे फिर देखिए अभी आगे पता चलेगा कि क्या होने वाला है।
क्या होगा, देखिए व्हेन वी टेक पॉजिटिव साइन, अगर आप पॉजिटिव साइन लेते हैं तो क्या होता है, देखिए 4 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 8 माइनस एक्स, इधर मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32 माइनस 4x इज इक्वल टू 3x, तो उधर चला जाएगा तो 32 इज इक्वल टू 7x, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 32/7। देखिए 32/7 इतना मीटर सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर हो जाएगा, इज इक्वल टू इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32/7 आपका 7 4 जा 28, 4 रह गया तो 40 हो जाएगा, 7 5 जा 35, फिर 5 रह गया तो फिर कितना 7 7 जा 49, अप्रॉक्स 4.57 के आसपास मैंने इतना सेंटीमीटर लिख दिया। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 4.57 सेंटीमीटर अप्रॉक्सिमेटली आ रही है, ये पॉइंट लाई करेगा ए और बी के बीच में कहीं पे क्योंकि 8 सेंटीमीटर है और एक्स मीन्स ये होगा कि 4.57 के पास ये पॉइंट लाई करेगा, तो आप बोलेंगे दिस वैल्यू ऑफ x इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। भाई ऐसा क्यों नहीं होगा, क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर क्वेश्चन मुझसे पूछ दिया जाएगा तो मैं कहूंगा कि अगर मैं क्या करता हूं, एक पॉजिटिव पार्टिकल है एक नेगेटिव पार्टिकल है, उसके बीच में अगर मैं पॉजिटिव रखता हूं तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं इन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में मैं ये कंसीडर करता हूं कि जो रखा हुआ पार्टिकल है वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों केसेस में अपोजिट होंगी, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एड हो जाएगा ना कि सब्सट्रैक्ट होगा। तो मैं बोलूंगा दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इन बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी सेम होगी, सो रिजल्टेंट विल नॉट बी जीरो, इस वजह से रिजल्टेड आपका जीरो नहीं होगा। तो आपने बोला कि ये पॉइंट तो भाई पॉसिबल नहीं है। अब आप आगे देखिए, अब दूसरी वैल्यू लेके आते हैं, तो व्हेन वी टेक पॉजिटिव की जगह आप लोग यहां पे लिख देंगे, अब यहां पे पॉजिटिव कर लिया हमने तो हम नेगेटिव साइन ले लेते हैं, नेगेटिव साइन लेंगे तो ये हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर नेगेटिव साइन लेने पर क्या होगा देखिए, नेगेटिव साइन लेंगे तो 4 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x, 8 4 जा 32 माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 3x हो गया। ठीक है, इसको उधर लेके चले जाओ तो 32 इज इक्वल टू 4x माइनस 3x मींस x हो गया, तो x इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि आपका जो ये पॉइंट है वो 32 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अगर हम रख देंगे तो फिर आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा, और 32 सेंटीमीटर डिस्टेंस किससे रखनी है अपने एक्स से, तो आप कह रहे हैं कि अगर आप सॉरी ए से अगर 32 सेंटीमीटर पे पार्टिकल को रख दें किधर भी साइड 32 सेंटीमीटर पे अगर आप रख देंगे उसको तो वहां पे आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका जीरो हो जाएगा। तो देखिए बीच वाला जो पॉइंट है वो पॉसिबल नहीं है, और अब इसको खुद का भी दिमाग लगा लेते हैं कि हम भाई इसको कहाँ रख देते, हमने कहा कि 32 सेंटीमीटर पे रखना है। ध्यान दीजिए इस डायग्राम को मैं यहाँ पे बनाता हूँ थोड़ा सा, प्लस 16 माइक्रोकूलम माइनस 9 माइक्रोकूलम, तो उसने कहा 32 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, देखो ये ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर है तो ये आपका यहाँ पे 32 सेंटीमीटर होगा और यहां से कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, तो आप बोल देंगे कि आपका जो ये है ए पॉइंट ये बी पॉइंट, ए पॉइंट से 32 सेंटीमीटर या बी पॉइंट से 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अगर इसे रखा जाएगा पॉइंट पी को तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जीरो। कैसे, देखो अगर ये पार्टिकल पॉजिटिव है
पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, आउटवर्ड लग जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इनवर्ड लगेगा, तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव होगा तब भी जीरो होगा, नेगेटिव होगा तब भी जीरो होगा। तो आप बोल देंगे द रिजल्टेंट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट अ डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस 16 माइक्रोकूलम और माइनस 9 माइक्रोकूलम फ्रॉम कहां से और 24 सेंटीमीटर फ्रॉम माइनस 9 माइक्रोकूलम। तो हम कह रहे हैं कि रिजल्टेंट हमारा जीरो हो जाएगा अगर हम इस तरीके से इन चार्ज पार्टिकल्स को रखते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का, वो क्वेश्चन क्या है आपका, टू चार्जेस ऑफ 0.2 कूलम एंड 0.4 कूलम आर 0.1 मीटर अपार्ट। मतलब दो चार्जेस हैं, एक 0.2 कूलम है, एक 0.4 कूलम है, उनके बीच की डिस्टेंस 0.1 मीटर है अपार्ट। तो बोलता है आपसे कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला पार्ट हम इसमें कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम इसमें दो क्वेश्चन कर लेंगे। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट। तो पहला तो हमने क्या करना है कि भाई जो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब दो आपके चार्जेस दिए हैं, उसने 0.2 एक कूलम दिया है, एक 0.4 कूलम दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और एक क्वेश्चन हम इसमें और कर लेंगे, उसको हम अभी बाद में देख लेंगे। तो पहले हम मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका ये 0.2 कूलम है मान लीजिए, और आपका ये 0.4 कूलम है, इनके बीच की डिस्टेंस है 0.1 मीटर। इनका एक यहां पे कहीं पे मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर बीच में आपने पार्टिकल पॉजिटिव कंसीडर किया है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो वो ऐसी वाली बात है, या तो ये दोनों उसको खींचेंगे अपनी अपनी तरफ को, या दोनों धक्का मारेंगे। तो दोनों पॉसिबिलिटीज में यही होने वाला है। तो अपनी अपनी तरफ को खींचेंगे तब भी फोर्स अपोजिट लगेगा, और दोनों अपने से दूर की तरफ को धक्का मारने वाले, मैं इधर को धक्का लगा रहा हूँ, इधर को धक्का लगा रहा है, तो उसमें भी एक दूसरे के अपोजिट फोर्स है। तो कहने का मतलब है, मान लो 0.2 कूलम है, 0.4 कूलम है, तो कोई बिल्कुल अगर बहुत बारीक सा भी दिमाग लगाए, छोटा सा दिमाग लगाए, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 1/4 πε0Q/r² होता है। तो ये डिस्टेंस तो मिड पॉइंट है, तो भाई ये डिस्टेंस तो सीधे सीधे आधी हो जाएगी, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगी, और ये चार्ज कम है, ये चार्ज ज्यादा है। तो होगा क्या, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो रिजल्टेंट अगर निकालना है, और दूसरी बात क्या होगी कि एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो ये ए वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा, देखिए ईए, और ई भी ये हो गया। अब मैं एक ही चीज कंसिडर कर रहा हूँ, मैंने कहा सपोज पॉजिटिव ही है, तो ए वाला इसको ई ए लगा दिया, इसने इसको इधर ई बी लगा दिया, तो मेरा रिजल्टेंट क्या होगा। अब दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं तो दोनों को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, देखो सॉल्यूशन अगर मैं इसका करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ड्यू टू चार्ज 0.2 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका 1/4 πε0 q/r². अब इसको हमने ई ए कह दिया, तो यहाँ पे क्यू ए आ जाएगा। तो क्यू ए की वैल्यू तो बेटा आपके पास 0.2 कूलम है, और r कितना है 0.1/2। तो 0.1 मीटर की डिस्टेंस दी हुई थी, तो 0.1/2 का आधा हो जाएगा, तो
0.1 मींस होता है 1/10 इनटू 2 फिर 1/20 हो गया, तो आप आर स्क्वायर करेंगे तो सीधी सी बात है भाई। चलो ये तो हम यहाँ वैल्यू लिखेंगे तो अभी कर ही लेंगे, आर की वैल्यू आ गई 0.1/20 आ गई सॉरी। तो यहाँ पे ईए कितना हो जाएगा देखिए आपका 1/4 pi epsilon naught 9 इंटू 10^9 होता है। QA की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.2 है और यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू है 1/20 इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 × 10^9 इंटू इसको मैं 2/10 लिख देता हूँ और ये स्क्वायर है तो दो बार आएगा और 1/upon में है तो ऊपर चला जाएगा 20 × 20 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 9 = 72 तो 72 × 10^9 यहाँ पे एक पावर ही है तो 10^10 हो गया ठीक है। और इसको अगर आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है। तो यहाँ पे 7.2 × 10^11 न्यूटन पर कूलम। तो जो ये वाला चार्ज पार्टिकल यहाँ पे वैल्यू लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होगी 7.2 × 10^11 न्यूटन पर कूलम। ऐसे ही क्या होगा दूसरा वाला भी हमारा लगाएगा, जो दूसरे वाले चार्ज पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं हम उसकी भी वैल्यू निकाल देंगे। तो अब हमें क्या करना है देखिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सबसे पहले, मैं इसी में कैलकुलेट कर दूंगा इस सेकंड वाले पार्ट को भी। तो ये मैंने ईए निकाल दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। वैसे तो इसका सीधा डबल हो जाएगा क्योंकि ये जो मैग्नीट्यूड है 0.4 0.2 का डबल है तो ट्वाइस हो जाएगा, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं कोई नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ड्यू टू चार्ज 0.2 की जगह 0.4 हो गया, तो ईए की जगह आप यहाँ पे ईबी हो जाएगा, यहाँ भी बी हो जाएगा बेटा, क्यूए की जगह आप यहाँ पे क्यूबी हो जाएगा, कितने है 0.4 है। अब आर आपकी डिस्टेंस सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे 0.2 की जगह 0.4 आ रहा है तो भाई यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। सेम कैलकुलेशन सारी की सारी आप लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 144, डबल हो जाएगा ना, तो आपका 14.4 × 10^11 न्यूटन पर कूलम हो गया। मैंने पावर को सेम रखा हुआ है ताकि मुझे सब्सट्रेक्ट करने में आसानी हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे इसको 1.44 लिख दूंगा तो 12 पावर हो जाएगा, पहले वाले में 11 पावर है तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब मैं क्या कहता हूँ देखो, यहाँ ये ई भी निकल गया है, अब देखिए आप बोलेंगे एट मिड पॉइंट दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट, चाहे आप पॉजिटिव ले लो इसको, ये पार्टिकल को पॉजिटिव कहो या नेगेटिव, दोनों में अपोजिट होगी ठीक है, अपोजिट, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ईबी माइनस, ये हो जाएगा 14.4 × 10^11 माइनस 7.2 × 10^11 न्यूटन पर कूलम। तो ये हो जाएगा आपका 7.2 × 10^11 न्यूटन पर कूलम। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं, मिड पॉइंट बोला बच्चों उसने, मिड पॉइंट पे निकाल सकते हो। अगर इसी तरीके से क्वेश्चन कहीं बोलता कि यहाँ निकालो, इधर पॉइंट पे निकालो, कहीं भी आपको बोल रहा होता, किसी भी पॉइंट पे इस तरीके से बोल रहा होता तो वो आप डिस्टेंस, मैंने कहा फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, सेकंड पार्ट इसी तरीके के क्वेश्चन में आप खुद से कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बोला है यहाँ पे मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट ना लेकर के कोई पॉइंट और ले लीजिए, यहाँ पे खुद से कंसीडर कर लेना आप, इस पॉइंट पे निकाल देना इसके इन दोनों के मिड पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी है 0.1/2 ये है, फिर यहाँ पे जो आएगा 0.1/2 का हाफ उसकी हाफ डिस्टेंस और ऐड कर दो। सपोज जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये 4 मीटर होती तो आपसे मिड पॉइंट बोलता तो ये 2 मीटर बोल देता ना, आप चेंज कर दो पॉइंट को, आप कह देते हैं कि नहीं हम ऐसा करेंगे मिड पॉइंट पे नहीं निकाल रहे हम लोग निकालेंगे 3 मीटर पे, तो 3 मीटर पे बोलेगा तो बेटा वही इसकी वजह से आएगा और इसकी वजह से आएगा, तो दोनों को फिर से आप क्या कर देंगे इसी तरीके से वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेशन ही है बाकी सारा का सारा पार्ट कैलकुलेशन का है, और लास्ट में आप उसको क्या कर देंगे, आपने उसको एट द एंड फिर वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ उसको माइनस कर देंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका ये हो गया, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग इसमें और कर रहे हैं, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का रहेगा लेकिन
ठीक है, हम लोग इसी में कर लेते हैं। फोर पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। देखिए चार्ज, आपको चार्जेस उसने दे दिए हैं प्लस क्यू और आपके इस तरीके से माइनस क्यू दे रही है, और आपसे पूछा गया है कि आप इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से मान लीजिए आपने एक स्क्वायर बना लिया ए बी सी डी। ठीक है, इस तरीके से आपने स्क्वायर बना लिया प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, इस तरीके से लगा दिया, इसका सेंटर हो गया। अब डिस्टेंस के लिए देखो, सबको पता है कि भाई अगर ये ए, अब इसको बी, इसको अब सी और इसको डी करते हैं, ये ओ कर देते हैं, तो सबको पता है सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ध्यान दो जो ए ओ है और जो ओ बी या बी ओ हो गया ऑब्लिक सी ओ हो गया और आपका डी ओ हो गया, ये सारी की सारी डिस्टेंसेस इक्वल होती हैं। और इसको आर मान लिया मैंने, से मान लेता हूँ मैं, कैलकुलेशन करने के लिए मेरा आसान हो जाएगा। मैंने कहा ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, तो ये आपका ई ए हो गया। ये डी नेगेटिव है, नेगेटिव से इनवर्ड होगा, तो ये आपका ई डी हो गया। फिर क्या होगा, इसी तरीके से इस बी वाले से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे आउटवर्ड होगा ई बी, और सी पे नेगेटिव चार्ज रखा है तो ये आपका इनवर्ड होगा, कौन ई सी होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, और फिर मैं इनका रिजल्टेंट निकाल देता हूं। कुछ मुझे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जैसे ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये भी ए है। ठीक है, तो मैं तो पहले ध्यान से समझिए, ये जो एंगल है 90 डिग्री होते हैं, आपके 90 डिग्री होंगे। तो अगर मैं ट्राइंगल ए, ये ओ लिखा है, ए ओ सी की बात करता हूं, तो ए ओ सी में क्या होगा, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने का क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बेटा ए सी ये कितना है आपका ए स्क्वायर, और ये आपका आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। तो आपके पास ये टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, क्योंकि आर तो मैंने कंसिडर किया हुआ ना, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू, तो यहां से आर की वैल्यू हो जाएगी ए बाई रूट टू। ठीक है, तो मुझे जो डिस्टेंस है आर की वो मिल गई है ए बाई रूट टू। ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, पहले ए की वजह से निकालूंगा वो ई ए आएगा, डी की वजह से होगा ई डी हो जाएगा, फिर इन सब की वजह से की करके निकालूंगा और इन दोनों को ऐड कर दूंगा, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दूंगा। अब सारे के सारे चार्जेस का देखो मैग्नीट्यूड क्यू, डिस्टेंस आर, क्यू आर, क्यू आर, तो सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो एक को निकाल लेते हैं, बाकी क्या कर देंगे हम लोग सिमिलरली, बाकी के सारे वैल्यूज में सिमिलरली लिख करके उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे कि हम बोलेंगे सारे के सारे सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले ये देख लीजिए ये निकल गया, फिर उसके बाद क्या होगा, एज ऐसे लिखो, देखो एज एओ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ all the charges
इज सेम, मैग्नीट्यूड सेम है ना बच्चों, मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी वैल्यू, साइन ठीक है प्लस माइनस है तो सेम, तो क्या हो जाएगा आपका, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए है वो इक्वल होगा ई बी के, वो इक्वल होगा आपका ई सी के, और वो होगा आपका ED, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू चार्ज हो गया और ये आर उसकी डिस्टेंस हो गई, तो अभी आर की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी आपकी, आर जो निकाला था आपने ए बाई रूट टू निकाला था, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इसका ए स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट टू का स्क्वायर 2 हो गया, तो 2 क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी ई ए ई बी ई सी और ई डी की, अगर आप किसी की भी वैल्यू निकालेंगे तो वो ये निकल के आएगी क्या, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू अपॉन ए स्क्वायर। कभी कभी हम लोग 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए के का टर्म्स भी यूज कर सकते हैं, करते ही है, मतलब लिखते हैं कैलकुलेशन बहुत लंबा ना हो जाए करके, अगर आपने नहीं भी लिखा है तो ऐसे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर आपने क्या करना है, देखिए ये सबका मैग्नीट्यूड हो गया, आप बोलेंगे कि भाई ई ए और ई डी जो है वो सेम डायरेक्शन में है, एज एज ई ए एंड ई डी आर अलोंग सेम लाइन, आर अलोंग सेम लाइन, सो देयर रिजल्टेंट, इनके रिजल्टेंट की अगर मैं बात करूंगा बेटा तो उसको मैंने इवन कह देना, तो इवन क्या हो जाएगा मेरा ई ए प्लस ई डी हो जाएगा, और ये वैल्यू आ रही थी मेरी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो ये मेरे वैल्यू 2 टाइम्स आ जाएगी, तो 2 इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे 2 क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 क्यू अपॉन ए स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ गई, ईवन की। मैंने कहा ये ई ए और ई डी का जो रिजल्टेंट है उसको मैंने ईवन बोल दिया, ठीक है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर सिमिलरली करने वाला हूं, मैं इतना लिखूंगा दोबारा से नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली रिजल्टेंट ऑफ किस किस का, ई बी एंड ई सी, क्या हो जाएगा आपका ई टू, इसका रिजल्टेंट ई टू हो गया, वो कितना होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 क्यू अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ भी तो क्या होगा ई बी प्लस ई सी और सबकी वैल्यू सेम है तो सेम रिजल्ट आएगा, तो यही चीज हो गई। अब आपने क्या करना है, आप कह रहे हैं कि इस ब्रांच में ई वन जा रहा है, इस ब्रांच में ई टू जा रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट एंगल कितना है 90 डिग्री का रिजल्ट, अब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट ऑफ किस किस का, इवन एंड ई टू, रिजल्टेंट ऑफ इवन एंड ई टू अगर मैं निकालने जाता हूं तो वो हो जाएगा ई इक्वल टू अंडर रूट इवन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस 2 इवन ई टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है मेरे पास बच्चों, कॉस 90 जीरो, तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास अंडर रूट इवन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर, ई की वैल्यू आ गई, बस अब मुझे करना क्या है, इवन की वैल्यू लिख देनी है, ई टू की वैल्यू लिख देनी है और कैलकुलेट करके उन्हें सॉल्व कर देना, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। और आप आंसर को क्या कर सकते हैं, आप इसको जो टर्म्स है टर्म्स के इसमें इसकी वैल्यू उसके टर्म्स में ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इवन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो रहा है, इवन का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 क्यू अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे करना है क्या, देखो ये टर्म 2 टाइम्स आ जाएगा, स्क्वायर में खोलने की जरूरत है नहीं मुझे, क्योंकि मुझे सीधे रूट से बाहर निकल जाना है उसको, तो क्या हो जाएगा देखो ये अंडर रूट 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 क्यू अपॉन ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, तो यहां से क्या होगा देखो ये पूरा टर्म बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा रूट 2, तो यह रूट 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो ये आपका इन चारों का रिजल्टेंट निकल के आ गया, कि आप इस तरीके से अगर चार्ज पार्टिकल आपको चार पार्टिकल इस तरीके से रखे होंगे और आपसे पूछा जाए कि भाई उसका रिजल्टेंट निकालिए, तो आप इस तरीके से उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं।
ठीक है, अगर कुछ अदर कंडीशंस में भी रखा हो तो बच्चों अदर कंडीशंस में भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, टू चार्जेस ऑफ 2×10⁻⁷ कूलम एंड 1×10⁻⁷ कूलम आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर फ्रॉम ईच अदर। आपको क्या बोल रहा है, दो चार्जेस हैं, एक 2×10⁻⁷ है, दूसरा है 1×10⁻⁷, इनके बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ईच अदर। क्वेश्चन मार्क, देखिए अब आपके पास क्या क्वेश्चन है कि आपके पास ये भाई 2×10⁻⁷ कूलम का चार्ज है, ये वाला 1×10⁻⁷ कूलम का चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी है, 1 सेंटीमीटर दी हुई है आपको। तो वो कह रहा है कि भाई इसकी वजह से इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा, इसकी वजह से इस पे कितना इलेक्ट्रिक, ऑब्वियस सी बात है दो चार्जेस है तो एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, दूसरा पहले वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो आपसे सिंपली क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए एक एक करके लिखेंगे कि भाई हम पहले इसको मान लो इसको नेम दे देते हैं हम लोग Q1 और इसमें लिख देते हैं Q2। तो मैं बोलूंगा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q2 ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा, देखो Q2 में निकाल लें हम लोग, इसको मान लो हमने नाम दे दिया, क्या इसको नाम देते हैं निकाल, लग तो इसकी वजह से रहा है, ए है बी है मान लीजिए, ये हो गया मतलब ए का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें बी पे, ठीक है 1/4πε0 Q/r² होता है। अब क्यू क्या चीज है, कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, ए लगा रहा है, किस पे लगा रहा है बी पे, तो यहाँ पे क्यू ए हो जाएगा, क्यू ए की वैल्यू दी है और आर आपको दिया है 1 सेंटीमीटर, इसको आप 1/100 मीटर कर सकते हैं, ठीक है आप यहाँ पे वैल्यू लिखोगे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ये इसकी वैल्यू 9×10⁻⁹, 2×10⁻⁷ इसकी वैल्यू हो गई, और ये 1/100 इसका स्क्वायर हो गया, 9×10⁻⁹, 9×2×10⁻⁷, 100×100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 9×2 = 18 × 10⁻⁹, 9 में से 7 चला गया 2 रह गया, और यहाँ 10⁴ हो गया 2×4, 18×10⁶ न्यूटन पर कूलम। आप अगर देखेंगे कि भाई ए वाला कितना लगा रहा है आपका, तो हो जाएगा 18×10⁶ न्यूटन पर कूलम होता है। अगर आप इसको और लिखना चाहे तो × 10/10 कर सकते हैं, इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.8×10⁷ न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। इसी तरीके से अब आपको निकालना है, देखिए इस बी वाले की वजह से ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पहले आप इसको देख लीजिए फिर उसको सॉल्व करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज करना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q2 की जगह Q1 ड्यू टू Q2, इसको EB कर दीजिए, यहाँ पे भी B लिख देंगे आप लोग, ये सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁷ हो जाएगा खाली, तो ये 2 आएगा नहीं यहाँ पे, तो ये आपका रह जाएगा 9×10⁶ हो जाएगा। न्यूटन पर कूलम, इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके इस तरीके से और सारे भी हैं, आपने कुछ किए हैं, कुछ आप खुद से लगाइए, कुछ मैंने करवा दिए हैं, फिर इसमें देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो फिर उस पर वीडियो बना के और शेयर करेंगे। थैंक यू।